अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल उनेस्तो रिएक्शन। गाइस, मेरा नाम है सफ़ीर और मैं हूँ कासिम। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि एक कंपैरिजन वीडियो है पाकिस्तान वर्सेस इंडियन बाइक्स, और ये चैनल की तरफ से है जिसका नाम है इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ओरिजिनल लिंक हम टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और हमारे साथ हमारा रिएक्शन देख लें। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की मोटरसाइकिल्स में क्या फर्क है, किसके पास है बेहतर बाइक्स और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आखिर कौन से इंटरनेशनल और हैवी बाइक्स इन देशों में चलाई जाती है। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान की बाइक्स को पाकिस्तान की बाइक से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, नंबर ऑफ बाइक्स। इंडिया में कुल 37 मिलियन मोटरसाइकिल्स मौजूद है, वहीं पाकिस्तान में कुल गाड़ियां ही 19 मिलियंस है, जिनमें 16 मिलियन तो मोटरसाइकिल्स ही है। नंबर टू, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर कंपनीज कुछ इस तरह है। नंबर वन, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड 1945 यानी पिछले 75 सालों से इंडिया में है। इस कंपनी का रेवेन्यू 4.2 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स में बजाज पल्सर 220 और बजाज पल्सर NS 200 शामिल है। नंबर टू, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। पहले हीरो होंडा के नाम से जानने वाली ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी रह चुकी है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। नंबर थ्री, महिंद्रा टू व्हीलर लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत इंडिया में साल 2008 में हुई थी। नंबर फोर, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है जो आज भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन करता है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 65 साल पहले साल 1955 में एनफील्ड मोटर्स के नाम से हुई थी। इनकी कुछ कॉमन मॉडल्स में बुलेट 350, बुलेट 500, थंडरबर्ड 350, क्लासिक 350, थंडरबर्ड 500 और अब 2020 में सबसे नया मॉडल है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। नंबर फाइव, टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये रही पाकिस्तान की मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर वन, DYL मोटरसाइकिल्स। इस कंपनी का दूसरा नाम दाऊद यमहा लिमिटेड भी है। इस कंपनी को बलूचिस्तान में साल 1976 से शुरू किया गया था और आज इनके कुछ मॉडल्स ये हैं: DYL YD70 धूम, DYL मिनी 100, DYL जुनून और DYL YD125 स्पोर्ट्स। नंबर टू, पार्क सुजुकी मोटर्स। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी और आज उसका रेवेन्यू 510 मिलियन यूएस डॉलर्स है। नंबर थ्री, रवि मोटरसाइकिल्स 2004 और फोर्थ पर है यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। तो ये थे दोनों देशों के मोटरसाइकिल कंपनीज। नंबर थ्री, मैन्युफैक्चरर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में इस साल का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। वैसे तो 2015 में पाकिस्तान की 1 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी, 2017 में 1.4 मिलियन और 2018 में 1.9 मिलियन बाइक सोल्ड हुई थी। इस साल लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में 8.5 लाख मोटरसाइकिल सोल्ड हुई है, पर हर साल की सेलिंग से ये 22% कम है। वहीं इंडिया की बात करें तो 2017 में 17 मिलियन, 2018 में 20 मिलियन और 2019 में 21 मिलियन मोटरसाइकिल्स इंडिया में सोल्ड हुई थी। पर इस साल लॉकडाउन के चलते सेल कम होने के बाद भी इंडिया ने 11 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की सेल की। ये साल हमें उस आंकड़े पर ले जाएगा जो आंकड़े की सेल इंडिया में 2011 में हुई थी। नंबर फोर, टॉप फाइव मोस्ट सेलिंग बाइक्स ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में टॉप फाइव बाइक्स ये है। नंबर वन, चाइना 70। ये कोई एक बाइक नहीं है, ये एक चाइनीज मॉडल है जिसे ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट नेम से बेचते हैं। चाइना 70 की कीमत 50,500 PKR यानी 23,324 इंडियन रुपीज है। इस बाइक को इसके कम प्राइस और स्पेयर पार्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। नंबर टू, होंडा CD70। होंडा CD70 की प्राइस 73,900 PKR यानी 34,132 इंडियन रुपीज है। नंबर थ्री, होंडा 125। इस बाइक की कीमत पाकिस्तान में 1,25,500 PKR यानी 57,965 इंडियन रुपीज है। नंबर फोर, सुजुकी 150। इस बाइक को पाकिस्तान के यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं और इसकी पाकिस्तानी कीमत 1,82,000 PKR यानी 84,062 इंडियन रुपीज है। नंबर फाइव, यमहा YBR 125। इस बाइक के स्पोर्टी लुक्स के कारण इसे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। इस बाइक की कीमत 1,47,500 PKR है यानी 68,127 इंडियन रुपीज। अब अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की फाइव मोस्ट सेलिंग बाइक्स कुछ इस तरह है। नंबर
1 हीरो स्प्लेंडर। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत यहाँ 52,500 है, वहीं ऑन रोड प्राइस 68,400 तक है। नंबर 2 हीरो HF डिलक्स। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 38,900 और ऑन रोड प्राइस 58,650 है। नंबर 3 बजाज पल्सर। इस बाइक की प्राइस 70,000 तक है। नंबर 4 होंडा सीबी शाइन। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 57,095 और ऑन रोड प्राइस 77,004 रुपीस है। नंबर 5 TVS XL 100। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 31,240 और ऑन रोड प्राइस 36,673 है। तो ये थी दोनों कंट्रीज की टॉप 5 लिस्ट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 5 मोस्ट हैवीएस्ट बाइक्स अवेलेबल इन दी कंट्री। हैवी बाइक्स दोनों ही कंट्रीज में अवेलेबल है और वो बाइक्स ये है। पाकिस्तान में फर्स्ट सुजुकी इंट्रूडर है जिसका वजन 149 केजी और प्राइस 1,50,000 है। सेकंड, सुजुकी इनाजुमा है जिसका वजन 183 केजी और प्राइस 2.10 लाख है। थर्ड पर सुजुकी GSX R600 है जिसका वजन 187 केजी और प्राइस 7.46 लाख तक है। फोर्थ पर है होंडा BR150 जिसका वजन 192 केजी और प्राइस 1.30 लाख है। फिफ्थ पर यामाहा Y2F R6 है जिसकी प्राइस 15 लाख तक है। सिक्स पर सुजुकी हायाबुसा है जिसका वजन 268 केजी और प्राइस 15.7 लाख है। और लास्ट यानी सेवेंथ है हार्ले डेविडसन जिसका वजन 220 केजी और प्राइस 4-18 लाख तक भी हो सकती है। अब वैसे तो पाकिस्तान में मिलने वाली ये हैवी बाइक्स इंडिया में भी मिलती है, पर इंडिया की हैवी बाइक लिस्ट कुछ इस तरह है। फर्स्ट पर है BMW HP4 रेस जिसका वजन 171.4 केजीज और प्राइस 86.70 लाख है। सेकंड पर है कवासाकी निंजा H2R जिसका वजन 216 केजी और प्राइस 72 लाख तक है। थर्ड है बिग डॉग K9 रेड चॉपर जिसकी कीमत 59 लाख तक है। फोर्थ पर है दुकाती पनिगल V4R लिमिटेड जिसका वजन 193 केजी और प्राइस 51 लाख है। फिफ्थ पर है हार्ले डेविडसन CVO लिमिटेड जिसका भारी भरकम बॉडी 431 केजी और प्राइस 50.53 लाख तक है। सिक्स पर है MV अगस्ता F4 जिसका वजन 175 केजी और प्राइस 50.10 लाख है। सेवन पर है इंडियन रोड मास्टर जिसका वजन 428 केजी और प्राइस 46.46 लाख है। एट पर है होंडा गोल्डविंग टूर जिसका वजन 379 केजी और प्राइस 27.79 लाख है। नाइन्थ पर है मोटो गुजी मैक्स 21 जिसका वजन 314 केजी और प्राइस 27.70 लाख है। टेंथ और लास्ट पोजीशन पर है नॉर्टन कमांडो 961 जिसकी प्राइस 23 लाख है और इसके पार्ट्स भी काफी महंगे हैं। तो ये थी दोनों कंट्रीज की अवेलेबल हैवी बाइक्स। आपको कौन सी हैवी बाइक सबसे ज्यादा पसंद है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आप अगला कंपैरिजन वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। हार्ले की लुक अच्छा, बहुत शानदार लुक है उसकी, बहुत ज़बरदस्त लुक है। मेरा खुद भी ना मतलब मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि कोई गाड़ी मेरे करीब से ऐसे गुजरे ना तेज सी, तो मैं शायद हो सकता है मुड़ के ना उसको देखूँ कि कैसी है। लेकिन अगर बाइक की एक दफ़ा आवाज़ से ना गुजर के कोई देखे तो मैं पलट के लाजमी देखूँ। हार्ले की आवाज़ बड़ी डिफरेंट है, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट आवाज़ है उसकी। इंडिया की बाइक हमसे बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत अच्छी है। मतलब हमारा तो CD70 उस लेवल का तो कोई भी बाइक नहीं था उनका, मतलब वो बड़े डिफरेंट स्पोर्टी लुक है उनकी, लुक बहुत अच्छी है। दूसरा ये कि जो उनकी ये हैवी बाइक्स शुरू हुई हैं वो मेरे ख्याल से कोई 25 लाख से स्टार्ट हुई थी, जो कि 40 लाख से 40 लाख से, और जो यहाँ पे तकरीबन 80 लाख क्रॉस करता है। नहीं अगर हमारी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा ही है, मतलब कि इतनी जबरदस्त बाइक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल। हम लोगों का तो अभी फिलहाल यही एक ड्रीम कह लो, ख्वाब कह लो कि यार हार्ले तक पहुँच जाए। जो 150 है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि वो अभी सुजुकी 150। हाँ जी, आम लोग जितने भी हैं ज्यादातर उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको, कि उसकी ड्राइव अच्छी है उसकी। अभी ये कीमतें जो बता रहे थे वो तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की थी ये वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा शायद पुराना होगा। अब वो 225 के करीब नहीं, अभी जैसे कुछ बाइक्स थे बीच में जो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में देखे हैं लेकिन वो मिस किए हैं कि यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन वो हैं यहाँ पे बाइक्स कुछ। और उसके अलावा जो सुजुकी 150 है वो ज़्यादातर टूरिस्ट बाइक है, ज़्यादातर लोग उसको लेके जाते हैं और
अफोर्डेबल के लिए, टूरिज्म के लिए अफोर्डेबल भी बहुत है। हैवी बाइक का ये है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 150 की लुक भी अच्छी है और वो अफोर्डेबल है, तो वो कंफर्टेबल राइड है। सो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और इस तरह की कोई और भी कंपैरिजन वाली वीडियोस हों तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ढेर सारे कमेंट कर दीजिएगा इस पर। और इस तरह की जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं जो कंपैरिजन वाली हैं इंडिया की पाकिस्तान की बाइक्स के अलावा, जितनी चीज़ें हैं वो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कि हम किस चीज़ पर आगे रिएक्शन दें। अगर हमें हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।